रायसेन जिले के जाने माने प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं समाज सेवी डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ का जन्मदिन धार्मिक अनुष्ठान के साथ रायसेन जिले की नगर परिषद देवरी के श्रीराम मंदिर प्रांगण में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनके प्रशंसकों ने फेसबुक व्हाट्सएप पोस्ट के माध्यम से श्री राम मंदिर प्रांगण में सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लंबी उम्र की कामना की। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने फूल गुलदस्ते भेंट कर बधाई दी और उनके द्वारा किए गए अनेक सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। अंत में डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ ने सभी दोस्तों शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से जन्मदिन के अवसर पर लोगों का उन्हें असीम प्यार मिला, उसके लिए वो हमेशा रेडी रहेंगे। दोस्तों, मैं कमर राणा और आज मैं आपके एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाह रहा हूं कि जो पेशे से तो डॉक्टर है और डॉक्टर होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी के राम जानकी मंदिर में वो अपना जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा आपसे पहले सवाल है कि आप हमेशा आपका जन्मदिन या तो गरीब और असहाय लोगों के बीच में मनाते हैं या फिर धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाते हैं और आपके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जाती है, क्या कारण? देखिए, मैं लगातार 5 वर्षों से ईश्वर की कृपा से और सभी बंधुओं के और परिवारजनों के सहयोग से एक सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ और इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है कि हम अगर किसी पद पर या किसी ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य रहता है, दायित्व रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, उस समाज के लिए कुछ करें जो ज़रूरतमंद है। तो बस उसी सोच को लेकर हम लगातार कार्य करते रहते हैं और जन्मदिन भी हम इसी प्रेरणा में मनाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले कि अपना जो खुशी के पल रहते हैं वो सभी के साथ मिलकर मनाएं और सभी के साथ सेलिब्रेट करें। डॉक्टर साहब, आपको मैंने देखा है अक्सर कि आप एक डॉक्टर हैं और मैं आपके साथ भी रहा हूं और देखा है कि एक दिन में 10-10 सर्जरी करते हैं, आपका टाइम इतना कम रहता है कि किसी को टाइम दे नहीं पाते, फिर भी आप अपना टाइम निकाल कर गरीबों में और सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, ये कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, ईश्वर की कृपा से मैं यूरोसर्जन हूँ और भोपाल में यूरोसर्जरी करता हूँ। चूँकि जब हम किसी कार्य को करने का सोच लेते हैं तो समय भी निकल जाता है और जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हमको ये करना है तो हम निश्चित ही किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जी, ये थे हमारे सामने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र धाकड़, जिनसे हमारी बातचीत हुई। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीराम मंदिर को उन्होंने 51,000 रुपये की राशि भेंट की है। नमस्कार।